हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आपके मोबाइल में अगर कोई भी अगर मोबाइल नेटवर्किंग अगर सेटिंग गलत हो जाती है उसको किस तरह से आप सही कर सकते हैं। दोस्तों इसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रोज की तरह विशिष्ट हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, यहां पर ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके अगर मोबाइल नेटवर्क सेटिंग अगर गड़बड़ हो जाती है किसी भी मोबाइल में, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेंगे तो कोई भी मोबाइल हो तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन आता है। कभी भी सेटिंग को ओपन करते हैं तो ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। जब यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग लिख के आ चुका है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सी सेटिंग रीसेट करने के लिए आ चुकी हैं, तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको नेटवर्क सेटिंग रीसेट करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है सिम वन या सिम टू का करना है, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। क्लिक करने के बाद सिम वन या सिम टू, जो भी आपके मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग गड़बड़ हो गई हो तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टू में मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं, और फिर यहाँ पर उसके बाद दे सकते हैं नीचे रीसेट सेटिंग लिखी हुई, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी आप स्क्रीन में पासवर्ड लगा रखे होंगे वो यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद ये जो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग है वो फिर से रीसेट हो जाएगी, पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों जो आप मोबाइल लाते हैं तो पहले जैसा उसी के तरीके का सेटिंग हो जाएगा दोस्तों, कोई भी अगर छेड़छाड़ कर दिया होगा तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।